एक बड़ा गंभीर प्रश्न आ गया, गया श्राद्ध के उपरांत श्राद्ध तर्पण पिंड करें कि न करें? पहले हाँ ये पहले द्रविण पूछे फिर मैं जी पहले श्रद्धे द्रविण शास्त्री से अनुरोध है कि वो बताएं। योगिनी हृदय ग्रंथ में आसाम के पास जो शक्तिपीठ है कामाख्या, वहाँ के कुछ तीर्थों का वर्णन है। उन तीर्थों में गय तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, वामक तीर्थ इत्यादि लोमक तीर्थ वगैरह हैं। तो जीवित व्यक्ति अपने उद्धार के लिए जो आत्मपिंड प्रदान करे वो वहाँ पर योगिनी तीर्थों में योगिनी हृदय के योगिनी शैल के पास देते हुए गय तीर्थ तक ही दे, आगे के अश्वक तीर्थ आदि में न दे। यदि देगा तो प्रतिवर्ष एक मास या दो मास उसकी आयु कम होगी। इसके लिए वहां कहा गयांतम पिंडदानम, यानी गय तीर्थ तक ही पिंडदान करना, ये आत्म पिंडदान है। मृत लोगों के लिए पिंडदान नहीं है, ये जीवित व्यक्ति स्वयं के उद्धार के लिए वहां पिंड दे सकता है। वो गय तीर्थ तक ही दे, आगे न दे। वहां का वाक्य है गयांतम पिंडदानम, गय अंतम ऐसा। तो उस भ्रम से उसको लेकर के गया के लोग बैठ गए, गया अंतम पिंडदान, इसलिए कहते हैं उसमें तत्व नहीं है, करना चाहिए पिंडदान। बहुत श्रेष्ठ, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज भी इस पर दो क्षण बताएं। गया श्राद्ध के बाद पिंड तर्पण श्राद्ध, अभी हमारे द्रविण जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। तर्पण जो है तो विशेष रूप से करना ही चाहिए और श्राद्ध भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, लोग श्री नहीं कर पाएंगे। लोकरी जी शास्त्री जी स्वयं कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने मुझे संकेत किया है, बोले तो वाक्य करणात् मृताहेर भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानात् च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। इस श्लोक के द्वारा गया का पिंडदान होने के बाद भी नित्य उनका जो ये श्राद्ध है आपका सांवत्सरी वो करना ही चाहिए, ये धर्मशास्त्रीय वचन है। बहुत श्रेष्ठ, श्री श्रीदेव शुक्ल जी, डॉक्टर शुक्ल जी अब आएगा अध्यक्ष जी के पास। ये विषय गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये प्रायः बहुत जगह फैला हुआ है और इसी लोग गया में श्राद्ध कर देते हैं कि अब श्राद्ध करने से छुट्टी मिल जाए। ये कौन पिंडदान करे, कौन जलदान करे, तो ये शास्त्रीय विधि नहीं है। तो होता है, प्रश्न ये हुआ कि जब हमने गया श्राद्ध करके मुक्त कर दिया तो तू पितर बचे ही नहीं, तो उनको हम श्राद्ध क्यों करें, ये भी एक प्रश्न होता है। इन दोनों प्रश्नों का समाधान ये है कि आप देखिए श्राद्ध किए होंगे जो वो सब जानते हैं, अंत में क्या कहा जाता है, पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियता नमम। वो पिंडदान पितरों के माध्यम से भगवान जनार्दन को आप पिंडदान करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, प्रायः कहते हैं कि भाई पिंडदान जा रहा हूँ तुलसी को मत आने दो, तुलसी दल से युक्त अगर पिंडदान हो गया तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पितृगण। तो इसलिए वो पितृ रूप में साक्षात जनार्दन को पिंडदान होता है, पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी का सामर्थ्य या व्यवस्था नहीं है तो भोजन ब्राह्मण भोजन के रूप में पिंडदान करना चाहिए, वो भी पिंड ही माना जाता है, तो ब्राह्मण भोजन करके आप श्राद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए अन्य व्यवस्था किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो ये शास्त्र का पूरा नियम है, इसका कहीं उल्लंघन नहीं है, कहीं इसका निषेध नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया कि महालय में पितृपक्ष में आपको अपने माता पिता की तिथि में श्राद्ध करना है। लोग गया जी पिंडदान करने नहीं जाते, पिंड छुड़ाने जाते हैं, एक बार पिंड डाले आवे ना तर्पण करना ना श्राद्ध करना। अरे नित्य श्राद्ध है, नित्य तर्पण है, बलवेश देव कर्म करते उसमें नहीं क्या है, उसमें भी तो है, पितृ व्यास सुधाक बता दिया। और यहाँ तर्पण तो नित्य है, वो तो नौ कृष्णानम संध्या जपो होमा स्वाध्याय देवता स्वाध्याय देवतार्चनम वैश्य देवम तथा तिथ्यम नवम पितृतर्पणम, ये नौ कार्यों में नित्य, अन्य कार्यों में पितृतर्पण को तो अनिवार्य माना गया है। और श्राद्ध का विषय भी सभी विद्वान स्पष्ट कर दिया। एक बार 1974 में मुझे स्मरण है सांगवेद विद्यालय में वाराणसी में एक धर्मसभा हुई थी, उस धर्मसभा की अध्यक्षता थी कृपात्र स्वामी ने,
और मुख्य अतिथि थे पंडित राज राजेश्वर शास्त्री जमीन, और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रश्न कर रहे थे तत्कालीन न्याय विभाग अध्यक्ष हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के बद्रीनाथ जी शुक्ल। ये चर्चा आई थी, तो चर्चा में ये निर्णय हुआ था कि गया श्राद्ध के पहले यदि पिंडदान नहीं होगा तो दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि गया श्राद्ध के बाद पिंडदान करना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है तब वो प्रत्यवाय नहीं लगेगा, यही केवल गया श्राद्ध का महात्मा होगा। बहुत श्रेष्ठ। माने अन्यत्र तो गया श्राद्ध के पहले तो प्रत्यवाय भी लगेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज निकाल के पिंडदान करो, परंतु गया श्राद्ध करने के पश्चात यदि अभाव है आपके पास तो चल जाएगा, प्रत्यवाय नहीं लगेगा क्यों गया श्राद्ध में आपने पिंड कर लिया है। वैसे निरंतर पिंडदान यथासंभव यथाशक्ति यथा द्रव्य पिंडदान करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था वहां उस समय की गई।